हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तीरथ प्रसाद टेक्निकल न्यूज़ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटेल ब्रांड का नाम तो आप जानते ही होंगे। फीचर स्मार्टफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन मेकर यह कंपनी है जो भारतीय मार्केट पे टाइम टाइम से अपने एंड्रॉयड या फीचर स्मार्टफोन लॉन्च करती रहती। तो दोस्तों, आईटेल ने भारतीय मार्केट में आज अपना एक न्यू एंट्री लेवल स्मार्टफोन जो एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसको कर दिया है लॉन्च, जिसका नाम आईटेल A25 है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में उस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कीमत के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में, तो ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग के साथ इस स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में कंपनी ने किया है लॉन्च। इसके बैक पैनल में आपको एक कैमरा और इसके फ्रंट पैनल में भी आपको सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इसकी जो फ्रंट पैनल डिजाइन की मैं बात करता हूं, तो इसमें वही पुरानी वाली स्क्रीन डिजाइन 60:9 रेशियो वाली वो कंपनी इसमें आपको देने वाली है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ काफ़ी बेजल कंपनी ने इस स्मार्टफोन में उपलब्ध करवाया है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो स्मार्टफोन की डिजाइन है देखने में काफ़ी अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है 5.0 इंच की IPS एक जो HD डिस्प्ले है वो कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 80:9 का है और इस डिस्प्ले का रेजुलेशन 1080x840 का है, जो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर का जो नाम है वो खुल के कंपनी ने बाहर नहीं बताया है किसी को। इसमें जो प्रोसेसर पड़ा है उसकी मैक्सिमम स्पीड 1.4 गीगाहर्ट्ज़ होने वाली है। यह एक क्वाड कोर प्रोसेसर होने वाला है। अगर बात करूं इस स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में, तो एक ही वेरियंट में कंपनी ने इसको भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च, जो है 1 GB रैम प्लस 16 GB स्टोरेज, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 32 GB तक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है एंड्रॉयड का TM9.0 और यह रन करेगा एंड्रॉयड के गो एडिशन पर। तो अगर मैं बात करूं अब इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में, तो जो इसके रियर कैमरे हैं वो सिंगल है, जो इसका फ्रंट कैमरा है वो भी सिंगल है। जो इसका रियर कैमरा है वो 5 MP का है। इसके साथ आपको LED की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 2 MP का है। इसके साथ LED की सुविधा कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। हालांकि इसमें आपको फेस अनलॉक की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इसके कैमरों में गूगल लेंस का सपोर्ट और HDR की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो यहां पर कंपनी ने जोर लगा के इसमें दिया 3200 mAh की एक पावरफुल बैटरी, जो एक बार चार्ज करने के बाद कंपनी का कहना है 8 दिन तक इसकी बैटरी कम नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि इसकी बैटरी कितनी दमदार है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है डुअल 4G सिम का सपोर्ट, जिनमें आप 4G का मजा ले पाएंगे। इसके अलावा फेस अनलॉक की सुविधा भी कंपनी इसमें दे रही है। USB 2.0 का सपोर्ट, FM रेडियो, ब्लूटूथ 4.2 का दे रही है। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ें, अगर बात करूं मैं फाइनली अब इसके प्राइस के बारे में, तो एक ही वेरिएंट में कंपनी ने इसको भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च, 1 GB रैम प्लस 16 GB स्टोरेज, जिसकी कीमत कंपनी ने 3999 रुपये रखी है। मेरे हिसाब से इसकी जो कीमत है थोड़ा और कम हो सकती थी। अगर बात करते हैं इसके मिलने की, तो यह ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन Amazon Flipkart पर उपलब्ध होगा। और दोस्तों, कंपनी इसमें दे रही है पहले 100 दिन के रिप्लेसमेंट के साथ। अगर आप इस फ़ोन को करना चाहते हैं परचेस, तो बेझिझक इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन को आप परचेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन के बारे में? मेरे हिसाब से इसकी जो कीमत है कुछ ज़्यादा है, और बाकी सब कुछ इस स्मार्टफोन में प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही है। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। जय हिंद।